नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आप देख रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 का खुमार छाया हुआ है, क्योंकि गदर 2 धुआंधार कमाई कर रही है। ऐसे में बहुत सारी कहानियां हैं जो गदर एक प्रेम कथा, मतलब पहले पार्ट से लेकर अभी तक की है। और मेरे साथ इस समय बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है चैतन्य पादुकोण जी, जो गदर 1 की एक कहानी आज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर हो रही है सक्सेस पार्टी गदर की, और ये दोपहर को 1 बजे से शुरू हुई है जो रात को आधी रात तक आज चलने वाली है। तो चैतन्य सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ये मेरे लिए एक फख्र की बात है, मतलब गर्व की बात है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं शेयर करना ये चाहूँगा कि 2001 में जब गदर 1 आई थी, उसकी लॉन्चिंग में मैं मौजूद था। सनी देओल, अमीषा पटेल, ये लोग सब थे। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि मैं अमीषा पटेल के फैमिली को पर्सनली जानता था, उनके डैडी मम्मी अमित पटेल और आशा पटेल। मैं उनके घर गया था मरीन ड्राइव, और वहाँ पर इसके पोस्टर्स लगे हुए थे, उनके पास पोस्टर्स थे गदर 1 के, और उसमें वो नज़र आ रहा था कि वो एक छोटे बच्चे की माँ का किरदार कर रही थी। तो उनको काफ़ी लोगों ने डराया था कि अमीषा, आप कहो ना प्यारे में यंग रोल कर रही हो, बद्री तेलुगु फिल्म में यंग रोल कर रही हो, इसमें तो माँ का कैरेक्टर कर रही हो, बच्चे की माँ का, तो आप इमेज को, मतलब आपका इमेज का क्या होगा, आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो, और गदर का क्या भरोसा, क्योंकि वो तो पार्टीशन का वो पीरियड फिल्म है, और कहो ना प्यारे तो मतलब कंटेम्प्रेरी फिल्म है। तो काफ़ी लोगों ने उसको डराया था, और मुझे आज भी याद है, मैं उनके डैडी मम्मी के साथ बैठा था, अमित पटेल और आशा पटेल, और अमीषा भी घर पे थी, और वो पोस्टर्स लेके आई थी। तो मैंने उनको तसल्ली दी और मैंने बताया कि देखो, मैं इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानता हूँ, शर्मिला टैगोर ने आराधना में राजेश खन्ना के माँ का रोल किया था, और उस वक्त शर्मिला टैगोर ने ये नहीं सोचा था कि अरे मैं हीरोइन भी हूँ और राजेश खन्ना की माँ का रोल किरदार कर रही हूँ। और आगे चल के आराधना बिकेम द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हिट, और शर्मिला टैगोर को इतनी दाद और तारीफ मिली कि राजेश खन्ना की हीरोइन और राजेश खन्ना का की माँ का किरदार भी उन्होंने निभाया था इन आराधना। तो मैंने कहा कि आपको अगर रोल में अगर दम है और आपको स्कोप है परफॉर्मेंस का, तो आप बेशक ये रोल आपको करना चाहिए, और आपको दाद मिलेगी लोगों से, इमेज का आप फिक्र मत करना। मैंने उसको वो भी एग्जांपल दिया कि जीनत अमान ने देवानंद का सिस्टर का रोल किया था हरे राम हरे कृष्ण में, लेकिन उस वक्त उसने इमेज की फिक्र नहीं की। आगे अमीषा को काफ़ी मतलब मैंने बोला कि डोंट वरी, आपको आपका ये रोल बहुत ही अप्रिशिएट होगा, एंड लोग आपको सराह लेंगे, और मतलब क्योंकि साथ ही में आपका कहो ना प्यारे रिलीज़ है, तो यू डोंट हैव टू वरी। और सक्सेस पार्टी में थी, हाँ हुई थी। वो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हुई थी पक्का, और अमीषा के घर पे भी हमने सेलिब्रेट किया था। हाँ, और अनिल शर्मा को आज भी याद है, अभी वो आएंगे तो ज़रूर मुझे बोलेंगे, चैतन्य आपको याद है गदर 1 की हमने पार्टी सेलिब्रेट की थी। तो सोचिए, और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा भाई, हाँ बहुत धर्म जी वो सब आए थे, और मैं अनिल शर्मा को दाद देना चाहूँगा, और अमीषा पटेल और सनी देओल को, जो सकीना और तारा सिंह का की 22 साल के बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी कंटिन्यूटी केमिस्ट्री रखी है, तो ऐसा लगता है कि 3-4 साल के बाद पार्ट 2 आई है, और मुझे उम्मीद है कि गदर पार्ट 3 भी आएगी। क्या बात है। यस, लोगों ने रिस्पांस दिया है कि डोंट बी सरप्राइज अगर 3 भी आ जाएगी। ठीक है,